अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इरफानुल हक। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमैर अफजल गोंदल साहब, और ये मुझे बताएंगे कि इन्होंने पाकिस्तान में पहली मरतबा पाकिस्तान में ही हुआ है कि इन्होंने UPVC का प्लांट लगाया है। आइए इनके साथ चलते हैं, ये हमें बताएंगे कि ये किस तरह बनाते हैं ये सारी चीज़ें, ये छत्ते कैसे तैयार करते हैं, ये UPVC जो प्लांट है उस पर कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये PVC की शीट है, इसके ऊपर आप खड़े हो जाएं, इसके ऊपर आप 5 बंदे खड़े कर सकते हैं इस स्पैन के अंदर, इसको कोई मसला नहीं। इसकी 450 kg पर स्क्वायर मीटर लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोहे की चादर के ऊपर इस तरह एक बंदा चढ़े ना, और इसके ऊपर एक बार पैर को दबा के रख दे, उधर बेंड पड़ जाएगा और उसके बाद ही वो चादर कभी सीधी नहीं होगी। इस ये फ्लेक्सीबल मटीरियल है, लोड कैरिंग है, थर्मली बहुत बेहतर है लोहे से, ना इसको जंग लगता है। ये सारी क्वालिटीज़ जो है ये UPVC पे, और सबसे बड़ी बात इसकी है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, ये आपको अपने घर में बन रही है ये चीज़। ये शीट्स जो है ये प्रोड्यूस होके जा रही हैं, स्टॉक में इस टाइम लगा रहे हैं। ये एक शीट की प्रोडक्शन चल रही है, ये नॉर्मल, इसको हम एस टाइप शीट कहते हैं। ये जो शीट है इसकी इफेक्टिव विड्थ है 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ी है लंबी। सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है शीट का कि आप इसको यहाँ से लेके जितना मर्जी लंबा निकाल लें, कंटिन्यूस एक्सट्रूजन है। अभी आप ऊपर छत देखें, इस छत के ऊपर ये 63 फुट की एक शीट है, इसमें एक भी जोड़ नहीं है, इसमें कभी वाटर लीकेज नहीं होगी। ये 63 फुट का एक पीस पड़ा हुआ है विदाउट जॉइंट। तो लोहे के अंदर आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं? लोहा, लोहे की शीट, फाइबर ग्लास की शीट या सीमेंट की शीट, डाडेक्स की शीट में जिसको कहते हैं, ठीक है। वो तीनों इसके सामने इंतहाई इन्फीरियर प्रोडक्ट्स हैं। लोहे की शीट को जंग लगेगा, उसमें से गर्मी पास करेगी। फाइबर ग्लास की शीट की लाइफ 5 से 6 साल होती है। आप लाइट वाले पैनल कभी फाइबर ग्लास के देखें, वो 5 से 6 साल बाद काले हो जाएंगे। डाडेक्स की शीट एक इंतहाई पुरानी क्वालिटी, पुरानी टेक्नोलॉजी की शीट है, जिसका अपना वजन ही बहुत ज़्यादा होता है, ना उसके ना इनकी कोई थर्मल रेजिस्टेंस होती है, ना ये साउंड इंसुलेटिंग होती है, ना ये रस्ट फ्री होती हैं। इनमें से फाइबर ग्लास को आग भी लगती है, इसको ना आग लगती है, ना जंग लगता है, ना गर्मी सर्दी इसमें से नीचे आती है। ये सारे इस प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट्स हैं। ये UPVC का प्रोडक्शन प्लांट है, इसके अंदर हम 3 डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके अंदर हम 5 क्राउन ट्विन लेयर शीट बना रहे हैं, 7 क्राउन ट्विन लेयर शीट बना रहे हैं, और CBC बना रहे हैं, ट्रिपल लेयर शीट, जो कन्वेंशनल लोहे की चादर का एग्जैक्ट अल्टरनेटिव है। तो ये 3 डिफरेंट लाइन्स है उनकी। ये सारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसके अंदर रेजन है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, स्टेरिक एसिड है, ASA की कोटिंग की जाती है इन सारी चीज़ों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ सारा रॉ मटेरियल स्टॉक किया जाता है। ये फीडिंग हॉपर्स हैं, यहाँ से सारा इनको लोड किया जाता है। नीचे मिक्सर्स हैं, मैं अभी नीचे आपको लेके जाके वो भी डिटेल में दिखाता हूँ। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का, ये सारा स्ट्रक्चर हमने खुद बनाया है, और हमारी कंपनी एक लोहे की फैब्रिकेशन एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है। पूरी बिल्डिंग हम बना के देते हैं। ऊपर ये टर्बो फैन लगे हुए हैं, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, इको फ्रेंडली है ये, इसमें से बिजली का एक वाट भी नहीं कभी पूरी जिंदगी लगेगा। यहाँ खुद ही घूमते हैं कन्वेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर, नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर से बाहर निकल जाती है। यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, 2 स्टेज मिक्सिंग प्रोसेस होता है इसका। हॉट मिक्सर है ये, कोल्ड मिक्सर है। पहले उसको मिक्सिंग को गर्म करते हैं, मैं जो सारा इसमें सारे एसिड्स वगैरह 8 डिफरेंट इसके अंदर एडिटिव्स डालते हैं PVC के रेजन के अलावा, उनको ब्लेंड करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, उसको होमोजेनस करते हैं, ठीक है। ये सारे नीचे भी रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं, एडिशनल स्टॉक जो है हमारा। इसके बाद ये जब इस मिक्सर से नीचे आ जाता है, यहाँ से ये स्प्रिंग लोडर से सीधा, ये नीचे स्प्रिंग लोडर है,
इससे ये सीधा हॉपर में जाकर वो ऊपर जो सिल्वर कलर की चीज है वो हॉपर है उसके अंदर जाता है। ट्विन एक्सट्रूडर है, एक लेयर सेंटर वाली यहां से ये वाली मशीन एक्सट्रूड कर रही है और उस प्रोडक्ट के जो ऊपर और नीचे एक लेयर है वो ये वाली मशीन एक्सट्रूड कर रही है। तो ये तीन लेयर ऐसे सैंडविच हो गए इकट्ठी निकल रही है। ये डाई है, इसको टी डाई कहते हैं, जिसके अंदर से प्रोडक्ट निकल रही है। सेंटर वाली लेयर उससे आ रही है, ऊपर और नीचे वाली लेयर इस एक्सट्रूडर से आ रही है। यहाँ आके इस चीज को थ्री रोल कैलेंडर कहते हैं। इसके अंदर गर्म ऑयल है इस टाइम, ये आप ये समझ लें कि आम जुबान में कि एक बहुत बड़ी प्रेस है, इस्त्री चल रही है जो उसको सीधा कर रही है सारी चीज़ को, ठीक है। उसमें से गर्म आ रहा है एंड दिस इज कोल्ड, इसको आप हाथ लगाएंगे ना, यहाँ हाथ लगाएं, इट्स कोल्ड, तो ये उसको प्रेस कर रहा है, उसको कोल्ड प्रेस कर रहा है। जैसे इससे से निकला इसकी शेप बन गई, ठीक है, ये शेप पकड़ ली इसने। यहाँ से पुल होते हुए इसको, इस चीज़ को कैलिब्रेशन टेबल कहते हैं। ये कैलिब्रेशन टेबल से निकलते हुए यार है, ये ऑटोमेटिक कटर है, ये शीट तैयार हो गई है। स्टाफ को हमने कैसे ट्रेन किया, इसके अंदर एक तो ये नया प्लांट है बिल्कुल, पाकिस्तान में इस तरह की प्रोडक्ट बनती कहीं नहीं है, तो हमें ट्रेन लेबर तो या ट्रेन स्टाफ कहीं से नहीं मिला। शीट की एक्सट्रूजन एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पाइप की एक्सट्रूजन पाकिस्तान में होती है, मुख्तलिफ कंपनियाँ कर रही हैं, उनमें से कुछ जेनेरिक लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन इस मशीन के ऊपर हमारे पास कुछ चाइनीज़ इंजीनियर थे यहाँ जो तकरीबन 6 माह हमारे पास थे, ठीक है, उन्होंने हमारे जो हैंड पिक लोग थे उनको पिक ट्रेन किया और उसके ऊपर मैंने खुद भी ट्रेनिंग ली उनके साथ। तो मैं ये तीनों मशीनें खुद चला सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ, मेरा भाई चला सकता है, मेरे वाले साहब चला सकते हैं, ठीक है। इनकी जो डाइज हैं उनको भी हम, इन जो क्रिटिकल कंपोनेंट है ना वो हमने खुद सीखा ताकि हम इसको सिखा सकें। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करना पड़ता है वो हाई टर्नओवर है। यहाँ लोग जो थोड़ा सा काम सीख जाते हैं ना या थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान से बाहर भागना है। हमने पहले 2 ऑपरेटर्स को ट्रेन किया, बहुत पैसे लगा के, बहुत टाइम लगा के, लेकिन वो दोनों पाकिस्तान से ही चले गए। एज सून एज दे फिगर्ड आउट कि अच्छा हमारी वर्थ है मार्केट में, दे ट्राई टू गेट आउट। लेकिन हमने क्या किया कि एक तो हमने रिटेंशन के लिए लोगों को पहले बताया कि इसमें क्या फ्यूचर है तुम्हारा, ठीक है। पीपल बिलीव नहीं करते नई टेक्नोलॉजी के अंदर, लोगों को लगा कि यहाँ आज बंद है, कल परसों प्लांट बंद है, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ लोगों की मंडी है, दुनिया का 6ठा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इस मुल्क के अंदर काम की कमी नहीं हो सकती है कभी भी, और इसके अंदर आप कुछ भी करें, आप कुछ भी थोड़ा सा भी बेहतर करने की कोशिश करें, आपको मार्केट रिस्पॉन्स देती है। तो हमने उसी बिलीव के ऊपर ये प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया, उसी बिलीव के ऊपर हमने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, हमने खुद सीखा काम, और जब हमने काम खुद सीखा उस दिन से आज तक कोई बंदा नहीं गया, उनको पता है कि ये काम कर सकते हैं, दे नो दिस। पीवीसी की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है और वर्ल्ड के लिए, कि ये इंतहाई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। दिस प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल्ड ओवर 50 टाइम्स, आप 50 दफा इस एक ही चीज को बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। सो देयर इज जीरो वेस्ट, कोई आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मिलिंग यूनिट जहाँ हम इस सारी प्रोडक्ट को जो स्क्रैप होता है या कुछ हम जितना भी स्क्रैप प्रोड्यूस करते हैं हम उस सारे को वापस प्रोडक्शन में लेके आते हैं। ये मिलिंग यूनिट है या जो पीवीसी को हम क्रश करते हैं, क्रैप करने के बाद उधर क्रशर है, क्रशर के बाद इन बैग में ये यहाँ आता है, उसके बाद ये सारा माल उसको उस हॉपर में डाल के क्रश किया जाता है, इसको ग्रैनुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये पाउडर, पीवीसी का पाउडर जो है इस मशीन का रॉ मटेरियल है। पीवीसी की एक्सट्रूजन, प्लास्टिक की एक्सट्रूजन यूजली 2 किस्म के मटेरियल के साथ होती है, या पैलेटाइज्ड होता है वो दाना होता है, या पाउडर होता है। पीवीसी में पाउडर डलता है, इससे यहाँ पाउडर बन रहा है, वो दाना आ रहा है ऊपर से क्रश। ये पैकेट लगे हुए ऊपर किसी भी इंप्योरिटीज को कैच करने के लिए, तो मेटल का भी सारे को सारे को रोक सकते हैं, अगर मशीन में जाएगा तो।
ये पाउडर है। इसके एंड प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके एंड प्रोडक्ट है इस प्लांट। दिस थिंग इज द एंड प्रोडक्ट, और ये इट्स लाइक गोल्ड, इतनी महंगी चीज है ये। जैसे लोहा बिकता है स्क्रैप में, वैसे ही पीवीसी बिकती है, और पीवीसी से ज्यादा महंगी बिकती है, बिकॉज पीवीसी अपना वजन रिटेन करती है। अफजल गोंदल साहब ने आज हमें बहुत डिटेल से बताया, ये जो जज्बा लेके आए थे वापस पाकिस्तान, इन्होंने सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत करने का जो अज़म जाहिर किया है, और इनकी ये फैक्ट्री देख के महसूस हुआ हमें ये वाकई इनके दिल में कुछ पाकिस्तान के लिए करने का जज्बा इस वक्त मौजूद है, और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें बहुत अपना कीमती टाइम इस वक्त दिया।